ये वो अखाड़ा है जो 12वें दिन चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध। ज़ेलेंस्की का ये जाल है, वो बुन रहे हैं ताकि नेटो देश भी इस युद्ध में घुस जाए, शिरकत करे, प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाए। लेकिन पुतिन ने आगाह कर दिया है कि प्रत्यक्ष रूप से इसमें घुसोगे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, मैं सबसे लड़ाई मोल लूंगा, जंग बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हर कोई परोक्ष रूप से मदद करने की कोशिश कर रहा है ज़ेलेंस्की की। लेकिन आज इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा है आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की है, इरपिन से निकलते वक्त फायरिंग की गई, ये दावा है। फायरिंग में दो बच्चों की मौत हुई, ये दावा कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा कि आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की है। इरपिन से बाहर निकलते वक्त आम लोगों पर रूस ने फायरिंग की, जिसकी वजह से दो बच्चों की मृत्यु हो गई, ये दावा यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का है। वहीं रूस ने अलग अलग देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, इनके कहने पर, इनके आग्रह पर कई शहरों पर अभी फिलहाल के लिए युद्ध विराम जैसी एक परिस्थिति की है, ताकि वहां से नागरिक, आम नागरिक बाहर निकल सके और किसी सेफ जगह पहुंच सके। वहीं थोड़ी देर पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया कि यूक्रेन कोई ना कोई शिरकत करेगा, कोई ना कोई बदमाशी करेगा, जानबूझकर सिविलियंस को हानि पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ठीकरा रूसी सेना पर फोड़ा जाएगा। तो इस तरह के क्लेम, काउंटर क्लेम चल रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये घमासान 12वां दिन है, घमासान का ये युद्ध चलता ही रहेगा। लेकिन जो वहां आम नागरिक, औरतें, मजलूम, बड़े बूढ़े, बच्चे जो फंसे हुए हैं, अलग अलग देशों से हैं, यूक्रेनी मूल के हैं, रूसी मूल के हैं, कुछ भारतीय हैं, कुछ अमरीकी नागरिक हैं, कुछ बाकी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों से हैं, कुछ कई सारे चीनी नागरिक हैं, क्या ये सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे? आज ही सुबह रूस ने सुमी की तरफ से दो रास्ते खोले, सुमी में फंसे नागरिकों के लिए, जिसमें कम से कम 700 से 800 भारतीय भी हैं, उनके फंसे रहने के लिए दो रास्ते तय किए, खोल दिए। एक रास्ता बोलगोरोड रूस की तरफ और दूसरा सेंट्रल यूक्रेन की तरफ। तो सुमी पर फिलहाल एक युद्ध विराम जैसी परिस्थिति है, जहां फायरिंग और शेलिंग रुक चुकी है। लेकिन अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं आपके पास, जहां यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने बंकर से बाहर निकलकर युद्ध फटीक्स में दिखे कि वो अंत तक लड़ते रहेंगे, बाहर निकलकर मैं डरा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, ये बात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की। लेकिन आखिर कब तक टिक पाएंगे, क्योंकि यूरोपियाई देश और नेटो ने पूरी तरह से कह दिया कि हम प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं आएंगे। वहीं लुहांस्क शहर में बड़ा धमाका हुआ है, धमाके के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लगी। ऑयल डिपोज, क्योंकि फ्यूल सप्लाई को बर्बाद करने की यह युद्ध नीति है रशिया की, और जहां जहां जिस जिस शहर पर वो आक्रामक हो रहा है, सबसे पहले वहां की फ्यूल सप्लाई उसको तोड़ रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो ये हमने कुछ दिन पहले इरपिन में देखा, मारियोपोल में देखा, अब लुहांस्क में भी। इस इलाके को वो पूरी तरह से सिक्योर कर अपने कब्जे में लेना चाहता है रूस, ताकि रूस से लेकर क्रीमिया तक सीधा सड़क का मार्ग प्रशस्त हो। मारियोपोल और लुहांस्क अगर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाते हैं, तो फिर क्रीमिया से लेकर रूस मॉस्को तक सीधी सड़क लाइन हो जाएगी, और सी ऑफ आवराव के साथ ब्लैक सी पर भी रूस हावी हो जाएगा, कब्जा करेगा। यही रशिया की युद्ध नीति है। लेकिन इस युद्ध नीति में और बड़ी खबर कि न्यूजीलैंड का पुतिन पर प्रबंध, रूस के विदेश मंत्री पर भी बैन, रूस के 100 लोगों पर लगाया बैन न्यूजीलैंड ने। जसिंडा आर्डन ने कहा था कि वो न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट से इजाजत लेगी कि वो प्रतिबंध लगा सके, शायद वो आज्ञा मिल चुकी है। अब रूस के 100 लोगों पर न्यूजीलैंड ने भी बैन लगाया है, रूस के विदेश मंत्री पर बैन लगाया है, न्यूजीलैंड का पुतिन पर प्रबंध लगाया गया है। लेकिन इन प्रबंधों का क्या लाभ, ये सवाल पूछा जा रहा है। पुतिन भी कह रहे हैं जो जो हमारे ऊपर प्रबंध लगाएंगे उनको आगे जाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन नहीं डर रहे, नहीं अड़ रहे, अड़े हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कहना है, और यही उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा, कि उनके हिसाब से प्लान वैसा ही चल रहा है जैसा वो चाहते थे। यूक्रेन में जिस तरह से ग्राउंड पर वो जमीन हथिया रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे खीव को घेर रहे हैं चारों तरफ से, और घेरेबंदी के साथ साथ
पूर्वी यूक्रेन का पूरा नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, रूस के अधीन करने की पूरी उनकी प्लान है। वो तो चाहते हैं कि पूरा यूक्रेन उनके अधीन हो जाए, यही व्लादिमीर पुतिन का प्लान है। बैन हो सैंक्शन हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, पर इतना उन्होंने आगाह कर दिया कि और कोई देश प्रत्यक्ष रूप से अगर इस युद्ध में उतरता है तो मैं उनके साथ भी जंग मोल ले लूंगा, उनसे भी लड़ाई मोल लूंगा। अब वहीं यूक्रेन के मिकोलाइव में रूस के हमले जारी हैं, जबरदस्त धमाके में बिल्डिंग में आग लग गई। ये सामने आपकी तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली। कई सारे ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, मलबा ही मलबा है चारों तरफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मकान में आग लगी है और यहाँ पर भी हवाई मिसाइल अटैक है। कहा जा रहा है कि रूस ने 600 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर, 600 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है रूस और ये हवाई फायरिंग चलती रहेगी। जेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, लेकिन नेटो देश अब भी वो नहीं चाहते ऐसा कि वो ऐसा घोषित करे, क्योंकि पुतिन ने कह दिया कि अगर आपने इसे नो फ्लाई करार दिया तो मैं मान लूंगा कि आप भी सीधे इस जंग में, इस लड़ाई में शिरकत कर रहे हैं, ये रूस के हक की लड़ाई है। ये कहते हैं व्लादिमीर पुतिन, और नेटो देशों का यहाँ पर कोई संबंध नहीं, ये हमारे और यूक्रेन के बीच में है। वो जेलेंस्की से बार बार कह रहे हैं, आज तीसरी बार वार्ता होगी, और जेलेंस्की से बार बार कह रहे हैं कि आओ बात करो और मेरी शर्तों को मान लो, मैं यूक्रेन को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, यूक्रेन का तख्ता, यूक्रेन का ताज भी नहीं बदलना चाहता, यूक्रेन का झंडा भी नहीं बदलना चाहता, ना ही आम यूक्रेनियों से मेरी कोई लड़ाई है, ये रूस के वर्चस्व की लड़ाई है, रूस की सुरक्षा की बात है, मेरी बात मान लो। अब रूस यूक्रेन युद्ध आज 12वें दिन पर है। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तबाही की कहानी बयां कर रही है। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई है, कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। खार्किव, खेरसान, ओडेसा समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी अब भी जारी है। युद्ध की वजह से अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। इतने अल्प समय में इतना भारी पलायन आज तक नहीं हुआ है, नहीं देखा गया है, यही आंकड़े यूएन भी बता रहा है। अब वहीं कीव में भारी तादाद में युवा यूक्रेन की सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचे हैं, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने से भी मना कर दिया है। तस्वीरें तो ये भी आ रही है कि प्रदेश से, दुनिया भर से वॉलंटियर्स अब धीरे धीरे यूक्रेन पहुंच रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से युद्ध में शिरकत करने के लिए। अब कन्वेंशन जिनीवा का यही कहता है कि अगर किसी आम नागरिक ने हथियार उठा लिया तो उसे भी सोल्जर माना जाएगा, और अगर उसे मार गिराया जाता है तो वो सिविलियन आम नागरिक की हत्या नहीं, एक सोल्जर की हत्या कही जाएगी। अब यूक्रेन का उधर बहुत बड़ा दावा आया है, बहुत बड़ी महाब्रेक यहाँ पर इस वॉर जोन में, रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन ने जारी किया है वीडियो कि हमने रूसी विमान को मार गिराया। ये वीडियो है जो अभी यूक्रेन सरकार ने, यूक्रेनी सेना ने भी जारी किया है, किस तरह से एक रूसी विमान को मार गिराया जा रहा है। लेकिन क्या एक विमान को गिरा देने से युद्ध जीत लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं, शायद इससे चौंक गए हैं व्लादिमीर पुतिन। दुनिया का इससे हौसला बढ़ा है और धीरे धीरे यूक्रेन का सपोर्ट बढ़ा है कि यूक्रेन ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं। इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तो बढ़ती जाएंगी और बनती जाएंगी और कुछ नुकसान व्लादिमीर पुतिन भी उठाने को तैयार है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को कौन गेन कर रहा है? पिछले 12 दिनों में क्या यूक्रेन का नक्शा बदल चुका है? अब इस अगर जब भी युद्ध विराम होगा तब क्या यूक्रेन का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा?
जिस जगह पर, जिस टेरिटरी पर इस वक्त व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना काबिज है, क्या वो उसको छोड़ेगी? यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। रूस ने सीज फायर का ऐलान तो किया है, यूक्रेन के 4 शहरों में रूस ने थोड़ी देर के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे विश्व के लीडर्स के आग्रह पर, ताकि आम नागरिक वहां से बाहर निकल सके, कीव, खारकीव, मारियुपोल और सुमी में इस वक्त सीज फायर है, इसकी घोषणा की गई है। वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रूस सीज फायर की घोषणा कर रहा है। ये सीज फायर की अवधि आज भारत के 12:30 बजे से शुरू हो चुकी है, यानी कि अब करीबन 45 मिनट हो चुके हैं सीज फायर की इस अवधि को, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही घंटों की मोहलत है, कुछ ही घंटों की मोहलत है। 6 घंटे का विंडो नहीं दिया गया है, 3 से 4 घंटे का विंडो दिया गया है, जिसमें कि जितने आप आम नागरिकों को निकाल सके निकाल लें। तो कॉरिडोर्स, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की घोषणा भी रूस ने की है। यूक्रेन में अब सीरिया के सैनिकों की एंट्री भी हो गई है।